ओके नमस्ते आदाप शुरुआका मैं हूं हूसी अंकल का स्वागत है आपका इस सेशन में गाइस सो so एक घंटे में पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विथ ऑल द फॉर्मूलास रिटर्न एंड एक्सप्लेन जी हां सो so आपको डाउनलोड करना है मैजिक बुक का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड करो और ये एक घंटे का वीडियो देखो मजा आ जाएगा आपको सारे फॉर्मुलाज दिमाग में सेट हो जाएंगे एग्जाम के पहले एटलीस्ट दो या तीन बार ये वीडियो देख लेना एंड ट्रस्ट मी दिस चैप्टर विल डेफिनेटली गिव यू द फिफ्टीन मार्क्स जो वो एग्जाम में आने वाला है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद द सेशन ठीक है आई एम श्योर जिसके पास हार्ड कॉपी है यू कैन टेक इट एंड उससे पूरा का पूरा रिविजन हो जाएगा इन केस आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम पे आप लोग के पास लिंक है एंड डू शेयर योर रिव्यूज कैसा लगा आपको ये सेशन इफ यू लाइक इट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड ट्रस्ट मी और सारे चैप्टर्स के लिए मैं सेम टू सेम वे में सब चीज लेकर आऊंगा सो वन आर इज वॉट आई वॉन्ट फॉर दिस क्रूशियल चैप्टर लेट द गेम बिगेन सो ये इंडेक्स देख रहे हो इंडेक्स इस इंडेक्स की सारी चीजें जी हाँ शार्प इंडेक्स मॉडल, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, मार्केट लाइंस पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग ये सारी चीजें आ रही है आपके पास लेट्स स्टार्ट सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड पूरे के पूरे फॉर्मुला से भरा हुआ तो आज मेरा पूरा फोकस है कि मैं आप लोगों के साथ फॉर्मूला सारे डिस्कस कर लू और कोई अपना डिविएशन नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ सम्स को uh, कैसे टैकल करना है फॉर्मूला के साथ या कुछ भी ओनली वन थिंग एंड दैट इज जितने भी मेरे फॉर्मूलाज है वो सारे के सारे फॉर्मूलाज इस पी में आपको मिल जाएंगे ठीक है और वो सारे फॉर्मूलाज में आपको लॉजिकली विथ माई ओन एग्जाम्पल्स कनेक्ट करके करवा दूंगा एग्जाम टाइम पे आपको खाली ये एक घंटे का वीडियो अप्रॉक्सिमेटली जो भी जितने भी टाइम का बनेगा वो आपको देखना है एंड दैट्स इट आपके सारे फॉर्मुल आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ठीक है तो अब इसमें अंदर मैं अभी सम वो सब घुसा दूंगा तो इट विल अन बिकम वेरी बिग सो माई फोकस इज ऑन द फॉर्मुलाज विद माय ओन एग्जांपल जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी वो मैं एंटर कर दूंगा राइट गाइड सो दैट इज हाउ वी विल मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड फॉर्मूला समझ लो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक घंटे के अंदर अब होने वाला है लेट द गेम बिगिन सो सिर्फ आपको यहां पे फोकस करना है मेरे ऊपर ठीक है हर एक जो है ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर या मैं आप लोग को पर्सनली व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा जस्ट ड्रॉप यूर व्हाट्सएप हाई एंड एंड आई डेफिनेटली शेयर इट विद यू सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहला यहां पे दो दुनिया है एक दुनिया है मार्कोविथ्स की दुनिया और दूसरी दुनिया है शार्पे की दुनिया दोनों की दुनिया को मैंने डिफरेंट रखा है तो फर्स्ट आई विल फोकस ऑन द मार्कोविथ वर्ल्ड एंड देन वी विल फोकस ऑन द शार्पे वर्ल्ड तो इन टर्म्स ऑफ मार्कोविथ्स वर्ल्ड देर आर फोकस ऑन फोर थिंग्स वट आर द फोकस 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 इज ऑन फोर थिंग मार्कोविच चार चीजों के बारे में बात करता है पहला वो बोलता है रिस्क दूसरा वो बोलता है रिटर्न तीसरा वो बोलता है को वराइंस और चौथा वो बोलता है को रिलेशन को एफिशियंट चौथा वो बोलता है को रिलेशन को एफिशियंट तो ये चार चीजें अपने को फोकस करनी है इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न उसने बोला है दो तरह के रिस्क एंड रिटर्न अपन लोग मैनेज करने वाले हैं एक फॉर इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड द पोर्टफोलियो है सबसे बेस्ट रहेगा तो मार्कोविच बोलता है दो तरह चार तरह की चीजें रिस्क रिटर्न को वराइंस को रिलेशन को एफिशियंट रिस्क रिटर्न में दो तरह की चीजें आएंगी एक आएगा मेरा इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क एंड रिटर्न दूसरा पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न जब मैं ये पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न कनेक्ट करूंगा तो मेरे को साथ में मिलेंगी दो और चीजें एंड वन इज कॉल्ड एज को वराइंस एंड अदर इज कॉल्ड एज को रिलेशन को एफिशियंट इन सब को कनेक्ट करके कैसे पढ़ना है इज नाउ वॉट आई एम गोइंग टू टीच यू तो आ जाओ सबसे पहले रिटर्न की बात करते हैं तो इन जनरल रिटर्न क्या होता है तो कोई भी दुनिया का एसेट ले लो रिटर्न इज ओनली ऑफ टू टाइप्स इसका मतलब कोई भी एसेट से खाली दो ही तरह के रिटर्न आएगा एक आपको मिलेगा रेगुलर इनकम और दूसरा आपको मिलेगा चेंज इन वैल्यू जो ये चेंज इन वैल्यू है उसको बोलते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन सो so, जो मैंने जितने में वो एसेट खरीदा था एंड आज जो उस एसेट का वैल्यू है दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज चेंज इन वैल्यू जिसको अपन लोग ने बताया है एंड रेगुलर इनकम इनकम इट इट कुड कुड बी बी अ अ डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम सो वो जो मेरा रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आ रहा है दैट इज द सेकेंड फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम एनी एसेट सो इन शॉर्ट रिटर्न दो ही तरह के होंगे एक रेगुलर तरह का इनकम जो मेरे को आ रहा है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन की वजह से जितने में मैंने वो एसेट खरीदा था एंड आज वो एसेट का जो वैल्यू हो गया है सो so, मेरा सबसे पहला फॉर्मूला इसके लिए बनता है रिटर्न इज इक्वल टू P1 minus P0, which represents my capital appreciation plus मेरा interest या dividend जो मेरा regular flow of income है and मैंने वो asset कितने में खरीदा था which is my P0. I hope अपने को ये समझ में आ गया होगा and we will never forget it. अब इस return को दो part में divide किया गया है एक in terms of past return, दूसरा in terms of future return. एक in terms of past return and दूसरा in terms of future return. ओके सो एवरेज रिटर्न इज बेस्ड ऑन द पास्ट इसका मतलब पास्ट में मैंने जो भी रिटर्न लिया है उसको अगर मैं एवरेज आउट करता हूं यानी मेरे पास अगर फाइव का डेटा है सो लास्ट फाइव के डेटा को मैं एवरेज आउट कैसे करूंगा बाय एडिंग ऑल ऑफ दैट एंड डिवाइडिंग इट बाय फाइव सो उससे मुझे मिल जाएगा एक एवरेज रिटर्न एंड अगर मेरे को फ्यूचर प्रिडिक्शन के बेसिस पे रिटर्न दिया है सो फ्यूचर प्रिडिक्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी सो रिटर्न के साथ एक प्रोबेबिलिटी दी जाएगी आई हैव टू मल्टीप्लाई दैट रिटर्न विद द विदोबिलिटी एंड उसका समेशन करना है तो मुझे मिल जाएगा रिटर्न बेस्ड ऑन फ्यूचर तो अगर मेरे को यहां पर आप लोग

बेस्ड ऑन पास्ट एंड बेस्ड ऑन फ्यूचर अब रिटर्न के साथ हमेशा कनेक्ट होगा समथिंग कॉल्ड एज अ रिस्क विच योर मार्कोविच हैज कॉल्ड एज वस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इसमें भी दो पार्ट होंगे एक बेस्ड ऑन पास्ट एक बेस्ड ऑन फ्यूचर वराय ज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली अपना फोकस है रिस्क फाइंड करना एंड रिस्क बेसिकली इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. बट अगर आप मैथमेटिकली सोल्व करोगे ना एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क् खाली एक्स माइनस एक्स बार के समेशन को देन इन दैट केस उसका टोटल जीरो आएगा अब अपने को टोटल जीरो तो नहीं चाहिए सो so, हर बार जीरो आएगा सो so, टोटल जीरो तो नहीं चाहिए सो देर फर अपन क्या कर लेंगे पहले उसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे विच इज कॉल्ड एज वराइज नाउ वॉट एग्जैक्टली इज रिस्क रिस्क का मतलब होता है डिविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड या एवरेज रिटर्न तो अभी अपन लोग ने जो यहां पे एवरेज रिटर्न फाइंड किया है उससे अपना जो रिटर्न है कितना डिविएट हो रहा है इज कॉल्ड एज रिस्क नाउ दैट इज वाई इट इज द फॉर्मूला इज ऑफ रिस्क इज़ एक्स माइनस एक्स बार कि भाई मेरे को जो एक्सपेक्टेड या जो एवरेज जो रिटर्न है उससे मेरा रिटर्न कितना डिविएट हो रहा है है ना रिस्क तो वही हो होता है ना जो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना हो इट कुड बी पॉजिटिव इट कुड बी नेगेटिव सो एनी डिविएशन फ्रॉम द रिटर्न इज कॉल्ड एज फ्रॉम द एवरेज रिटर्न इज कॉल्ड एज माई रिस्क सो ये मेरा एवरेज रिटर्न है इससे मेरा ये वाला कितना डिविएट हो रहा है नाउ इसमें मैंने आपको बताया कि अपन लोग ने स्क्वायर क्यों किया है बिकॉज स्टैंडर्ड डिशन जो मेरा रिस्क है उसको मैं डायरेक्टली फाइंड कर लूंगा देन इन दैट केस इट विल बिकम जीरो तो मैं पहले फाइंड करता हूं बाय टेकिंग द फॉर्मुला ए माइनस ए बार द होल स्क्वायर उसका समेशन कर लूंगा एंड देन उसका स्क्वायर रूट करता हूं तो आई विल गेट द स्टैंडर्ड डिविएशन इन द सेम वे जब मैं बेस्ड ऑन फ्यूचर कैलकुलेट करता हूं दैट रिस्क विल बी बेस्ड ऑन प्रॉबिलिटी सो यहां पे अगर आप लोग ने नोट किया तो डिवाइड बाय एन है वैसे ही इन केस ऑफ फ्यूचर ए माइनस ए बार वो करना ही है बट मल्टीप्लाई इट विद द प्रॉबिलिटी सो ए माइनस ए बार स्क्वायर करोगे आप प्रोबेबिलिटी करोगे इसका जो टोटल आएगा समेशन इज कॉल्ड एज बेस्ड ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स एंड गेट सो अगर यहाँ पे इस चीज को समप करता हूं देन इन दैट केस सबसे पहले मेरे को समझना पड़ेगा रिस्क क्या होता है रिस्क बेसिकलीविएशन फ्रॉम द एवरेज रिटर्न सो एवरेज रिटर्न है मेरा एक्स बार उससे मेरा, उससे मेरा रिस्क उससे मेरा रिटर्न कितना डिविएट हो रहा है तो डिविएशन तो मेरे को

मेरे को एंड ऑफ द डे चाहिए स्टैंडर्ड डिशन विच इज रिप्रेजेंटेड एज दिस का रूट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्न एन आई होप आपको यह फॉर्मूला समझ में आ गया होगा बिकॉज ये फॉर्मूला बहुत जगह पे यूज होने वाला है ना वेन आई स्पीक ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम थिंग जस्ट दैट यहां पर आपको डिवाइड बाई एन के जगह पे करना है मल्टीप्लाई बाय प्रोबिलिटी बिकॉज एक्सपेक्टेशन में फ्यूचर होता है फ्यूचर को अपने को आइडिया नहीं होता है तो वन सर्टेनिटी के लिए वी यूज द वर्ड प्रोबेबिलिटी इसका समेन इज वॉट इज गोइंग टू गिव एस द एक्सपेक्टेड रिस्क ठीक है सो दिस बिकम्स अंस बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड अगेन मेरे को अगर इसी का स्टैंडर्डियन कैलकुलेट करना है तो रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्िटी एंड दिस विल गिव मी दस ऑफिरास एंड स्टैंडर्ड डिशन या जिसको मैं बोलूंगा रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी अब मेरा इंडिविजुअल सिक्योरिटी का तो मेरे को आइडिया आ गया एक जनरल रिटर्न एक उसके बेसिस पे एवरेज और एक्सपेक्टेड रिटर्न और फिर उसके बेसिस पे रिस्क ये तीनों चीजें मैंने टोटल यहां पे कैलकुलेट कर ली है अब मैं जाऊंगा पोर्टफोलियो के रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर पोर्टफोलियो कहना इससे जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो एक से ज्यादा सिक्योरिटीज आ जाती है तो उन सिक्योरिटीज का कितना वेट है वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा एंड दैट गिव राइज टू द फर्स्ट फॉर्मूला विच इज पोर्टफोलियो रिटर्न बेस्ड ऑन द वेट्स तो आपके पास ने? आपके से uh, पोर्टफोलियो में एक दो तीन चार जितनी भी सिक्योरिटीज है उन सिक्योरिटीज का आपको वेट लेना है एंड मल्टीप्लाई बाय रिटर्न करना है अब रिटर्न कौन सा जो रिटर्न अभी अपन लोग ने यहां पे कैलकुलेट किया था विच इज एवरेज रिटर्न बेस्ड ऑन पास्ट और फ्यूचर रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन फ्यूचर तो ये जो आपको इधर ए बार दिख रहा है ना वो ए बार जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट मल्टीप्लाई बाय द वेट ऑफ द सिक्योरिटी इन योर पोर्टफोलियो सो यहां पे मेरा ये पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला क्या बनेगा एवरीबॉडी मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पे वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी एंड जितनी भी मेरे

एंड बिकॉज मैंने यहाँ पे दोनों का वराय फाइन किया है मैं इन दोनों को स्क्वायर कर दूंगा से और एक मेरे पास है, तो वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय वराय ऑफ बी ऐसे करूंगा बट वेन एवर रिस्क इज देर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट रिस्क बिटवीन दीज इंटरनल सिक्योरिटीज सो ज्वाइंट का मतलब होता है एक सिक्योरिटी का इंपैक्ट दूसरे के ऊपर एंड दूसरे सिक्योरिटी का इंपैक्ट फर्स्ट वाले सिक्योरिटी के ऊपर दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द जॉइंट रिस्क को एकदम डिटेल में कर पढ़ना है तो मेरा डिटेल वाला लेक्चर लिख लेक लेना बट दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज को वरास बिटवीन ए एंड बी ऑल्सो कॉल्ड एज द ज्वाइंट रिस्क सो यहां पे जब मैं को वराय देख रहा हूं तो मुझे को वराय ऑफ ए बी देखना है एट द सेम टाइम कोवराइंस ऑफ बी ए बी देखना है सो ये मैं कोवराइंस ए बी प्लस कोवराइंस वराइंस बी ए लिखूं उससे बेटर है वॉट आई विल डू इज आई विल राइट यर टू को वराय ए बी वट इसमें भी जब इंडिविजुअल ये लोग दोनों ने एक दूसरे के साथ जॉइंट रिस्क कितना है वो पता चल गया है बट दैट विल इंपैक्ट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द वेट इन द पोर्टफोलियो सो वी मल्टीप्लाई दिस बाय वेट ऑफ ए वी मल्टीप्लाई दिस बाय वेट ऑफ बी एंड ये बन जाता है मेरा पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मुला जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हो वेट ऑफ ए स्क्वेयर इंटू सिग्मा ए स्क्र वेट ऑफ बी स्क्वेयर इंटू सिग्मा बी स्क्र

विप्रो इज एक्सपोर्टर ऑफ करेंसी एंड से एक्सिस बैंक इज इंपोर्टर ऑफ करेंसी तो अब ऑब्वियसली एक एक्सपोर्टर ऑफ करेंसी एक इंपोर्टर ऑफ करेंसी है अब अगर मेरा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया का रुपी स्ट्रांग होता है तो इंपोर्टर को फायदा होगा डॉलर वीक स्ट्रांग होता है तो एक्सपोर्टर को फायदा होगा सो इन दिस केस एक इंपोर्टर है एक एक्सपोर्टर है तो दे मे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन कॉल्ड एज नेगेटिव कोवरास एंड थर्ड है मेरा जीरो कोवरास विच इज एशियन पेंट्स एंड एयरटेल एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है एक काइंड ऑफ एफ एनसीजी काइंड ऑफ कंपनी में है तो उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है तो वो लोग का जॉइंट रिस्क इज एस गुड एज जीरो सो दिस इज व्हाट कोवराइंस टेल्स यू इट टेल्स यू द डायरेक्शन बिटवीन द इंटरनल सिक्योरिटीज राइट अब इस डायरेक्शन की वजह से मुझे पता चलेगा कि को वराइशन पॉजिटिव है मतलब एक सिक्योरिटी गया ऊपर तो दूसरा भी ऊपर एक नीचे तो दूसरा भी नीचे या नेगेटिव है या वो लोग दोनों में जीरो को वराय है सो लुकअर को वराय इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो एंड ये रेंज कुछ भी हो सकता है इट कुड बी फ्रॉम इंफिनिटी टू इंफिनिटी तो मतलब माइनस ट्वेंटी फाइव दोनों का को वराय हो सकता है इट कुड बी एनीथिंग राइट अब को वराइंस का अगर मेरे को फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो बेसिकली को वराइंस क्या होता है दो सिक्योरिटीज के बीच का वरायंस देखो समझो बराबर से ज्वाइंट रिस्क को वराइंस तो इन दोनों के साथ का जो वरायंस है वो राइट right. सो so, अब यहां पे मान लो अपन लोग उधर बराइन्स में स्क्वायर करते थे क्यों स्क्वायर करते थे क्योंकि अदरवाइज उसका समेशन जीरो आ जाएगा अब यहां पे तो दो अलग अलग सिक्योरिटीज है उन दोनों का रिस्क फाइंड करना है सो आई विल टेक ए ए माइनस बार एक सिक्योरिटी बी माइनस बी बार दूसरा सिक्योरिटी इन दोनों का मेरे को समेशन करना है डिवाइड बाय एन दिस इज वॉट माई को वराइंस फॉर्मुला विल लुक लाइक तो जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हो ए माइनस ए बार अपॉन इन टू बी माइनस बी बार अपॉन एन बट ऑब्वियसली ये हो गया मेरा बेस्ड ऑन पास डेटा अगर फ्यूचर डेटा के ऊपर प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है देन दैट विल बी ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार एंड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी आई होप ये कोवराइन्स के दोनों फॉर्मूला बेस्ड ऑन पास्ट एंड बेस्ड ऑन फ्यूचर भी समझ में आ गया होगा एंड कोवराइन्स के तीन टाइप्स पॉजिटिव कोवराइन्स नेगेटिव कोवराइन्स जीरो कोवराइन्स भी समझ में आ गया होगा एंड कोवराइंस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इंटरनल मूवमेंट बिटवीन द सिक्योरिटीज विच कैन रेंज फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड ये से अब अपन लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर विच इज कॉल्ड एज द को रिलेशन को एफिशियंट अब को वराय तो मुझे है ना डायरेक्शन बता दिया बट को रिलेशन को एफिशियंट एग्जैक्ट बताएगा कि कितना उन लोग दोनों के बीच में मेल मिलाप है सो so, मेरे को है ना यहां पे पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है वो मुझे बता दिया को ने बट एग्जैक्टली exactly कितना है से फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव है तो जीरो पॉइंट फोर जीरो कि भाई एक हंड्रेड से ऊपर जा रहा है तो दूसरा फोर्टी से ऊपर जाए या नेगेटिव है जो भी ये लोग के बीच में वरायंस को वरायंस आया है उसका एग्जैक्टनेस मेरे को अगर चाहिए आई विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ को रिलेशन को एफिशियंट समझ में आया तो पहला को वराय खाली एक डायरेक्शन बता दिया अब एग्जैक्टनेस चाहिए

स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन ए स्टैंडर्ड डिविएशन बी एंड अपन लोग यहां पे लिखेंगे दैट को वायंस ए बी विल नाउ ऑल्सो बी रिटर्न एज आर ऑफ ए बी इन टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इन टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी आई वी क्लियर एवरीबॉडी सो यहां से मुझे को वराय मिल जाएगा जो मुझे एग्जैक्ट डायरेक्शन बता देगा ऑफ द सिक्योरिटीज इंटरनली ठीक है सो यह मैंने इधर यहां पर तुम लोग को फॉर्मुलाज भी बता दिया है दैट अगर को वरायस है ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार अपॉन एन

ऑफ़ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ़ बी स्क्वायर वराइंस ऑफ़ बी प्लस टू अब को वराइंस एबी के जगह पे अपन क्या लिखेंगे कोर्पोरेशन कोएफिशिएंट एबी कोर्पोरेशन कोएफिशिएंट एबी मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ बी आई वी क्लियर एवरीबॉडी सो यह आ गया मेरा पोर्टफोलियो रिस्क बाई यूजिंग को रिलेशन को एफिशियंट चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर अब को रिलेशन को एफिशियंट में भी देर आर थ्री थिंग्स एक तो होता है परफेक्टली पॉजिटिवली को रिलेटेड विच इज आर इज इक्वल टू प्लस वन एकदम परफेक्ट डायरेक्शन uh, दोनों में मूवमेंट होता है एक हंड्रेड से बढ़ेगा तो दूसरा भी हंड्रेड से बढ़ेगा दूसरा है नेगेटिवली को रिलेटेड एक

रिलेशन होता है तो परफेक्टली पॉजिटिव को रिलेशन मतलब एक ऊपर दूसरा भी एग्जैक्टली exactly उतना ही ऊपर, एक नीचे उतना ही नेगेटिव को रिलेशन एक ऊपर एग्जैक्टली दूसरा नीचे एंड सो so, उसका अगर शॉर्टकट फॉर्मुलाज

विच शुड बी टेकन टू रिड्यूस द रिस्क एज लो एज पॉसिबल इन अ पोर्टफोलियो ऑफ टू सिक्योरिटीज तो दो सिक्योरिटीज में क्या वेट्स

वेट ऑफ ए यूजिंग मिनिमम वराय पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट तो ये फाला फॉर्मूला अपन लोग इसमें यूज करेंगे इट विल बी वराइंस ऑफ बी माइनस को वराइंस ऑफ ए बी एंड देन वराइंस ऑफ ए वराय ऑफ बी माइनस टू वराय ए बी सो दिस इज हाउ योर फॉर्म्यूलाइक सो अगर आपने यह फॉर्म्यूलास्योरिटी तो में करना है, आपको ए सिक्योरिटी में सेवेंटी फाइव परसेंट इन्वेस्ट करना है तो बाई डिफॉल्ट बी में आप कितना परसेंट इन्वेस्ट करोगे करेक्ट इट विल बी ट्वेंटी फाइव परसेंट दैट इज कॉल्ड एज मिनिम वाइंस पोर्टफोलियो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा बोलता है तो आपको यह फॉर्मूला यूज करके

डॉमेंस प्रिंसिपल और डोमिनेंस प्रिंसिपल। दूसरा अगर सबका सेम रिस्क है जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हो इन सबका रिस्क सेम है बट उसमें जिसका हाइएस्ट रिटर्न होगा इज वॉट वी विल टेक बाई डिफॉल्ट बाकी सारी के सारे सिक्योरिटीज विल बी

को एफिशियंट ऑफ वेरिएशन एंड यहां पे अपन लोग लिख देंगे लोअर द बेटर सो आई होप यहां तक 20 मिनट्स एंड वी आर डन विथ ऑल द फॉर्मुला फॉर द मार्को स्टार्टिंग फ्रॉम रिस्क रिटर्न कोवर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डोमिनेंस प्रिंसिपल मिनिमम पोर्टफोलियो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड ऑल ऑफ दैट अब इसके बाद आगे इस जर्नी को कनेक्ट किया विलियम शार्पे ने जिसने बोला कि भाई टोटल रिस्क अकॉर्डिंग टू विलियम शार्पे इज डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क एंड दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क ऐसा है विच इज मैक्रो लेवल इसका मतलब कि वो पूरे ग्लोबल चीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है जैसे इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है जैसे फॉरेक्स का मार्केट कैसा चल रहा है जैसे अगर कोई दो कंट्रीज में वॉर है तो ये जो सिस्टमेटिक रिस्क है ना दिस इज बेसिकली अ ग्लोबल मार्केट स्पेसिफिक रिस्क विच अफेक्ट्स ऑल द कंपनीज बट द अनसिस्टमैटिक रिस्क इज कंपनी स्पेसिफिक कंपनी का सेल्स कितना अच्छा है कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है कंपनी का जो टॉप परफॉर्मिंग से डायरेक्टर्स है उनका ओवरऑल क्रिमिनल रिपोर्ट कैसा है क्या कंपनी ने कोई स्कैम्स किया है या कोई अनफोर्सिंग इवेंट हुआ है क्या सो so वो जो मेरा अनसिस्टमेटिक रिस्क है दैट इज कंपनी स्पेसिफिक रिस्क एंड दैट रिस्क कैन बी अवॉइडेड बाय डायवर्सिफिकेशन बिकॉज मार्कोविच तो यही बोलता है कि जितना आप डायवर्सिफाई करोगे उतना आपका टोटल रिस्क पोर्टफोलियो का कम होते जाएगा सो so, अकॉर्डिंग

इंडिविजुअल सिक्योरिटी विद द मार्केट तो आपके कंपनी के बीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर है उसका रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा अब एज अ अ इन्वेस्टर अगेन आई एम टेलिंग एज इन्वेस्टर सीएपीएम बोलता है कि भाई दो तरह के रिस्क होते हैं एक अनसिस्टमेटिक रिस्क जो आप डाइवर्सिफाई करते कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन करेक्ट टाइप ऑफ कंपनीज बट सिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट वॉर फॉरेक्स करेंसी का मूवमेंट विच

जेंटेड बाई बीटा तो बीटा रिप्रेजेंट करता है वोलेटिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी विथ दैट ऑफ द मार्केट तो मार्केट के मूवमेंट की वजह से मेरा पर्टिकुलर सिक्योरिटी कैसे मूव कर रहा है उस बेसिस पे इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न डिपेंड करता है अगर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है मेरा सिक्योरिटी एज कंपेयर टू द मार्केट तो ऑब्वियसली एज ए इन्वेस्टर यू विल वांट मोर रिटर्न एंड दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस दिसम फॉर्मूला विच इज रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ

ओवरऑल रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशंस का मिल जाएगा सो दैट बेसिकली इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द रिस्क फ्री प्लस बीटा इनटू आरएम आर माइनस आर एफ अब ये जो मार्केट जो जो uh, रिटर्न है वो बेसिकली मार्केट का रिटर्न रिप्रेजेंट करता है मूविंग ऑन नाउ बीटा कैन बी एनीथिंग बीटा कैन बी वन ये अपने लोग ने था ना पॉजिटिव कोवराइज नेगेटिव कोवराइस वैसा ही कुछ बीटा इज इक्वल टू वन मतलब मार्केट टेन परसेंट से ऊपर जा रहा है तो अपना सिक्योरिटी भी टेन परसेंट से ऊपर जाएगा अगर बीटा इज मोर देन वन तो मेरा अगर सिक्योरिटी टेन परसेंट से ऊपर जा रहा है तो सॉरी uh, मार्केट अगर टेन परसेंट से ऊपर जा रहा है एंड मेरे कंपनी का बीटा है two, case, मेरा सिक्योरिटी ट्वेंटी परसेंट से ऊपर जाएगा सो इज गोइंग टू बी द केस विद बीटा इज इक्वल टू जीरो नेगेटिव सो बीटा इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ कैश बीटा इज जीरो इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स बीटा इज जीरो उसको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है बीटा इज नेगेटिव इन केसेस ऑफ गोल्ड एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज सो यूजुअली आप लोग देखना जब मार्केट ऊपर जाएगा ना तो गोल्ड नीचे जाएगा एंड वैसे वर्सा एंड वैसा ही केस है डिफेंस इंडस्ट्री का तो अगर समझो आपकी कंट्री में वॉर हो रहा है देन इन दैट केस डिफेंस डिफेंस कंपनी जो है उसका जो शेयर है ऊपर जाएगा बट ओवरऑल मार्केट नीचे जा रहा होगा सो बीटा इज नेगेटिव इन केस ऑफ गोल्ड एंड वॉर ओरिएंटेड बीटा का सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फॉर्मुला बताया कि क्या हो रहा है मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न विद ऑफ द मार्केट सो मार्केट जैसे जैसे मूव हो रहा है उसके कंपेरिजन में मेरा सिक्योरिटी कैसे हो रहा है दैट गिवी माई फर्स्ट फॉर्मूला एंड दैट इज चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न Change in security return upon change in market reason return that is represented as beta. इस बीटा को और भी अलग अलग फार्म्यूलाज के थ्रू बताया एंड दैट इज वर्स फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्यूला जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी थ्रू द को वराइंस को मार्केट डिवाइड ऑफ द मार्केट इसी से और कनेक्ट करके अपन लोग रिलेशन को एफिशियंट का भी और एक फार्मूला बना लिया और एक रिग्रेशन एनालिसिस का फॉर्मूला विच इज हार्डली यूज सो मेजरली जो फार्मूलाज यूज होता है वो तीन फॉर्म्यूला यूज होता है बीटा के लिए एक है चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न तो एक ये फॉर्मूला है दूसरा जो मेरा फॉर्मूला है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कोवराइंस सो इट इज कोवराइंस ऑफ सिक्योरिटी विद द मार्केट अपॉन

So, उससे और एक नया फॉर्मूला बन जाएगा तो को ऑफ एस एम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज को रिलेशन को एफिशियंट ऑफ एस एम इन टू स्टैंडर्ड इवेशन ऑफ एस इनटू स्टैंडर्ड इवेशन ऑफ एम अपॉन वेराय ऑफ एम एक कैंसल एक हो जाएगा तो मेरे को बीटा का और एक फॉर्मुला मिल गया विच इज को रिलेशन को एफिशियंट ऑफ एस एम इन टू

रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस तो भाई मेरे पास समझो तीन सिक्योरिटीज़ सिक्योरिटी से एक्स वाई एंड जेड तो से एक्स का वेट कितना है और उसका बीटा कितना है वाई का वेट कितना है एंड उसका बीटा कितना है एंड जेड का वेट कितना है एंड उसका बीटा कितना है इज हाउ योर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड आई अंडरस्टैंडिंग सो बीटा ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ वाई इंट वेट ऑफ वाई सो एक एक जितनी भी सिक्योरिटीज है उन सब का अपन लोग ने बीटा इंडिविजुअली फाइन कर लिया है तो मेरे पास तीनों का सबका बीटा है बट ओवरऑल पोर्टफोलियो में उनका वेट कितना है उस बेसिस पे पोर्टफोलियो का बीटा मेरे को यहां पे मिल जाएगा एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पोर्टफोलियो बीटा आई होप होर क्लियर अब डिसीजन बेस्ड ऑन सीएपीएम तो सीएपीएम का जो रिटर्न है रिक्वायर्ड रिटर्न है वो अपन लोग कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ सो so, अगर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है से फॉर ट्वेल्व परसेंट का और मेरा सीएपीएम रिक्वायर्ड रिटर्न है फोर्टीन परसेंट तो मैं बोलूंगा यार मेरा जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो तो फोर्टीन परसेंट आ रहा है तो मेरे को फोर्टीन तो परसेंट रिटर्न चाहिए भाई यही बता ना अपने को यहाँ पे रिक्वायर्ड रिटर्न यही तो बता दें कि भाई ये सिक्योरिटी के लिए बीटा को ध्यान में रखते हुए मेरे को कितना रिटर्न तो निकाला तो वो आ रहा है ट्वेल्व तो मैं बोलता हूँ कि यार तेरा सिक्योरिटी तो खाली ट्वेल्व रिटर्न दे पाएगा जबकि तेरे सिक्योरिटी के लिए मेरे को एक्सपेक्टेशन है फोर्टीन के रिटर्न का तो वो मैं तेरा सिक्योरिटी नहीं रख सकता तू तो मेरे रिक्वायरमेंट से कम दे रहा है इन द सेम वे अगर यहां पे मैंने मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से निकाला यार मेरे को ये बार 12 परसेंट का रिटर्न गारंटीड आने वाला है मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से निकाला ये बार मेरे को 16 परसेंट रिटर्न आने वाला है बट मेरा सीएपीएम का मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है खाली 14 परसेंट तो बेस्ट है ले लो भाई फोर्टीन का रिक्वायर्ड रिटर्न है बट अपने को एक्सपेक्टेशन है कि यारिक्सटीन परसेंट लाके देगा ये सिक्योरिटी गो फॉर इट एंड वी विल गो फॉर बाय एंड अगर दोनों इक्वल हुआ तो होल्ड कर सकते हैं देन वी कैन सी कैसे मूवमेंट हो रहा है उस हिसाब से अपन लोग अपना स्ट्रेटेजी सेटअप कर सकते हैं सो आई होप ये बीटा वाली

रिस्क फ्री के जैसे ले लो बी बीटा एक्स सिक्योरिटी प्रीमियम जो से अपने को एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा रिटर्न सो ऑल ऑफ दैट इज रिप्रेजेंटेड एज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ठीक है ना यहाँ पे शार्पे इंडेक्स मॉडल में अपने को सिस्टमैटिक के साथ अनसिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर भी फोकस करना है एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड रेसिडुअल रेसिडल या स्टैंडर्ड एरर आई स्क्र ठीक है ना सो so, यहां पे हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट इट सो शार्पे इंडेक्स मॉडल इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एस आई एम ये बोलता है कि टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क अब इसमें भी है ना मैं आपको बता दू दो बातें होती है एक होता है इंडिविजुअल लेवल का और दूसरा होता है पोर्टफोलियो लेवल का फिलहाल मैं आप लोगों के साथ फोकस कर रहा हूं इंडिविजुअल लेवल पे तो जो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा वो इंडिविजुअल या पोर्टफोलियो लेवल कहीं का भी आ सकता है तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे आता है देन इन दैट केस योर अनसिस्टमैटिक रिस्क इज अ बैलेंसिंग फिगर बट सर बैलेंसिंग फिगर के लिए हमारे पास पहले टोटल रिस्क आना चाहिए तो टोटल रिस्क अपन लोग जैसा मार्कोविच में कैलकुलेट करते थे सो सिग्मा ए तो जो भी आपकी सिक्योरिटी है उसका आप यहाँ पे वराय कैलकुलेट करेंगे और फिर बाद में सिस्टमैटिक रिस्क अब सिस्टमैटिक रिस्क ऑब्वियसली कनेक्टेड टू द बीटा एंड द मार्केट सो सिस्टमैटिक रिस्क आपका बनता है बीटा एंड मार्केट के साथ सो बीटा ऑफ जो भी आपकी सिक्योरिटी है तो यहाँ पे मैं चलो एस के तरह लिखता हूँ एज अ सिक्योरिटी सो आपका टोटल रिस्क क्या है इट इज योर बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय वराय ऑफ द मार्केट प्लस आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क और व्हाट वी कॉल एज द रेसिडुअल वराय नाउ इन टोटेलिटी इफ यू सी आपको यहां पे वराइंस ऑफ द सिक्योरिटी मिल जाएगा बीटा ऑफ सिक्योरिटी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मार्केट का uh, जो वराइंस है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यू विल गेट द बैलेंसिंग फिगर इज रिस्क बट अगर 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 पोर्टफोलियो लेवल पे पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आपको शार्पे इंडेक्स मॉडल कैलकुलेट करना है फॉर्मुला यही रहेगा टोटल रिस्क प्लस सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क बट पोर्टफोलियो लेवल पे आपको यहां पे पोर्टफोलियो का आपको वराय फाइंड आउट करना पड़ेगा इज इक्वल टू बीटा किसका पोर्टफोलियो का कैलकुलेट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय ऑब्वियसली मार्केट का जो वरायस है वो तो वही रहेगा एंड जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है इसमें आप लोग को यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा वेट ऑफ ए तो जो भी सिक्योरिटी है मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी अब जितने भी पोर्टफोलियो है उसमें आपको पोर्टफोलियो uh, में सिक्योरिटीज है उतना आपको वेट देना पड़ेगा मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली बता दू दिस विल बी गिवन इन द एग्जामिनेशन तो ये आप लोग को गिवन होगा ठीक है सो so, अगर इंडिविजुअल लेवल पे फाइंड आउट करना है एज अ बैलेंसिंग फिगर आप लोग फाइंड आउट कर लोगे अगर पोर्टफोलियो लेवल पे फाइंड आउट करना है देन इन दैट केस आपको स्टैंडर्ड स्टैंडशन ऑफ रेसिडुअल एरर ए का B का बी सबका दिया होगा साथ में उसका वेट्स यहां पे आप को दिया होगा एंड देन बी एबल टू कैलकुलेट द रिस्क प्लस आपके पास रिस्क कैलकुलेट करने के लिए बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्म्य है उसका स्क्वायर कर देना सिग्मा स्क्वायर मार्केट एंड यू विल गेट द टोटल रिस्क एज वेल सो आई होप ये अब भी चीज अपने को क्लियर हो गई होगी एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द शार्पे इंडेक्स मॉडल एक फॉर्म्यूला है जनरल यूज होता है विच इज कॉल्ड एज द को एफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन रिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट स्कोर इज इक्वल टू सिमैटिक रिस्क अपॉन टोटल रिस्क ये भी आप लोग यूज कर सकते हो यहां तो देखो जैसा मैंने यहां पे बोला अनसिस्टमैटिक रिस्क इज पोर्टफोलियो रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क सो एज अ बैलेंसिंग फिगर यू कैन कैलकुलेट फिर बाद में लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर इज कॉल्ड एज द एपीटी मॉडल और द आर्बिट्राज प्राइजिंग थियोरी मॉडल तो यहां पे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मल्टी फैक्टर मल्टी फैक्टर मतलब अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे सिक्योरिटी का बीटा विद दैट ऑफ द मार्केट तो खाली आप एक बीटा को ही कंसिडर कर रहे थे यहां पे मल्टी फैक्टर मतलब आर्पिट प्राइसिंग थियोरी मॉडल बोलता है कि आप खाली एक बीटा के बेसिस पे रिलाय मत करो अगर से फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन होता है तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आपके सिक्योरिटी के ऊपर आ रहा है क्या आ रहा है और मार्केट उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वॉर हो रहा है या कहीं पे रिसेशन है तो रिसेशन का मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है और आपके सिक्योरिटी के ऊपर क्या आ रहा है दैट दैट ऑल ऑफ इज कॉल्ड एज द रिस्क प्रीमियम तो आप अलग अलग फैक्टर्स एक आपने बीटा एज अ फैक्टर लिया आप एक इन्फ्लेशन एज अ फैक्टर ले लोगे आप एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एज अ फैक्टर ले लोगे हर फैक्टर के लिए आप उसका बीटा कैलकुलेट करोगे एंड दैट विल बी एडेड टू योर रिक्वायर्ड रिटर्न तो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा रिस्क फ्री तो वो तो आपको अर्न करना ही है उसके साथ में बीटा से फर्स्ट फैक्टर

ट्वेल्व रिटर्न तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि इन्फ्लेशन होगा टेन परसेंट और अगर टेन परसेंट ही हुआ देन इन दैट केस ना मार्केट अलग से रिएक्ट करेगा ना आपका सिक्योरिटी अलग से रिएक्ट करेगा बट से फॉर एक्जाम्पल इन्फ्लेशन हुआ टेन uh, के जगह पे ट्वेल्व परसेंट एंड आपने एक्सपेक्ट किया था टेन परसेंट सो ऑब्वियसली टू परसेंट एक्सपेक्ट हुआ है, दिख रहा है? देखो इधर मैंने इधर फॉर्मूला भी इज इक्वल टू ए आर माइनस मतलब मैंने इनवर्स लिख दिया तो यहाँ पे उस हिसाब से ही लिख लेते हैं सो योर आरपी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड सो एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड

प्राइसिंग मॉडल का भी मैं आपको पे फॉर्मूला लिखवा देता हूं तो एक भाई मेरे को रिस्क -फ्री रिटर्न तो चाहिए प्लस मेरे को अलग अलग फैक्टर्स के रिलेटेड मल्टीप्लाई बाय आरपी टू प्लस एग्जांपल मेरा जीडीपी uh, रिलेटेड जो भी है मल्टीप्लाई बायपी थ्री आरपी कैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी एक्सपेक्ट एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड बाकी सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया होगा एज इट इज आपको पिकअप करके ये फॉर्मूला में पुटअप करना रहेगा सो so, ये हो गया आपका एपीटी एपीटी के बाद आ जाता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इसके लिए तीन मेथड आप लोग को दिए हुए हैं सबसे पहला मेथड है शार्पे का मेथड शार्पे बोलता है कि भाई रिस्क फ्री के ऊपर आपके पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न लाया है वी वॉन्ट दैट ट्रेनर भी यही बोलता है रिस्क फ्री के ऊपर आपके पोर्टफोलियो ने कितना पोर्टफोलियो वेर एज इन केस ऑफ ट्रेनर वो बोलता है कि भाई हमने जितना भी एक्सेस रिटर्न लाया रिस्क फ्री के ऊपर हमारे पोर्टफोलियो ने दैट विल बी इवेल्युएटेड विदा ऑफ द पोर्टफोलियो आरपी माइनस आर एफ अपॉन एज यू कैन सी यर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ़ पोर्टफोलियो एंड यहाँ पे आरपी माइनस आर एफ अपन बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो एंड लास्ट है जेनसेंस आल्फा जेसन आल्फा बेसिकली आपको बोलता है एक्चुअल रिटर्न कितना आया है एज कम्पेयर टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन कैसे अपना रिक्वायर्ड रिटर्न है वो अपना यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है विच इज आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर तो ऑब्वियसली वी वॉट हायर बिकॉज अपने को एक्चुअल रिटर्न अपने रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा चाहिए सो तो आई होप ये वाले तीनों फॉर्मुलाज क्लियर हो गएंगे शार्पे ट्रेनर एंड देन फिर जो बोला है अपने को जेनसेंस अल्फा जेनसन्स अल्फा क्या बोलता है एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है आर एफ प्लस बीटा इन टू आर एफ माइनस आर एफ ए समझियो एवरीबॉडी सो ये हो गया आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवेल्यूएशन ऑफ बेस्ड ऑन द थ्री रेशियोज फिर बाद में आती है आपकी मार्केट लाइन ये यूजुअली थोड़ा स्टूडेंट लोग को टेंशन देती है इसके लिए मैंने यहां पे साथ में एक फॉर्मूला भी ले लिया है तो so, यहां पे आप लोगों को कई बार क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट द अल्फा ऑफ द टू स्टॉक्स ठीक है So, दो फॉर्मुलाज आप लोग को यहां पे दिख रहे होंगे एक है आर एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम सो यहां पे आपको ये वाला कैरेक्टरिस्टिक लाइन का फॉर्मूला यूज करना है सो व्हाट इज दिस आर एस तो आर एस है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कहां से आया ये एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्कोविच के फॉर्मूला से तो मार्कोविच ने जो अपने को फॉर्मूला बताया था ना स्टार्टिंग में कि भाई जो भी आपका फ्यूचर रिटर्न है मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी फ्यूचर रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ये सब का जब आप समेन करते हो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू

इन दोनों का मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न तो फाइंड कर सकता हूं बराबर है एंड क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे ना तो वो क्वेश्चन आपको बोला है इक्वली लाइकली तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा तो, expect, तो देखो इधर एक्स रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी तो फोर इन टू फिफ्टी परसेंट टू हो गया एंड दूसरा फॉर एग्जांपल पे इज अ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय उसका भी फिफ्टी परसेंट का प्रोबिलिटी तो ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी आपका ट्वेंटी टू परसेंट यह हो जाता है आपका ट्वेंटी टू परसेंट जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हो दिस बिकम्स योर आर एस एंड यहां पर डी के लिए आपका सेम चीज आपको करना है यह आपका आ जाता है थर्टीन पॉइंट फाइव दिस बिकम्स योर अगेन आर एस तो जब अब मैं यह अल्फा कैलकुलेट करने वाला हूं तो मेरे पास अग्रेसिव का आर एस है ट्वेंटी uh, मैंने बीटा ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया बीटा का फॉर्मूला अपना जो फॉर्मूला है चेंज इन रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न तो यहां पर देखो चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न फोर्टी फोर्टी और फोर विच इज थर्टी सिक्स अपॉन मार्केट रिटर्न ट्वेंटी फाइव और सेवन तो इधर टू का बीटा आ रहा है इधर जीरो पॉइंट फाइव का बीटा आ रहा है सो तो प्लस टू इन टू यहाँ पे आप लोग रिटर्न का भी फॉर्मुला मार्केट रिटर्न भी आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे तो आपको यहाँ पे मार्केट रिटर्न भी मिल जाएगा गिविंग यू द बैलेंसिंग फिगर विच इज अल्फा सो बेसिकली अल्फा जब आपको कैलकुलेट करने को बोले ना तो कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन के हिसाब से लिखने का आर एस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम आर एस क्या होगा अपने मार्कोविच भाई के हिसाब से जो अपन लोग फॉर्मूला निकालते हैं ना ए, एक्स इंटू प्रोबिलिटी और उसका समेशन ये वो है बीटा अपन लोग कैसे निकालते हैं चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न तो उस हिसाब से बीटा आ जाएगा और मार्केट रिटर्न ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा जैसा कि यहाँ पे देखो आप लोगों को यहाँ पे गिवन है मार्केट रिटर्न सेवन परसेंट एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट बट ऑब्वियसली उसमें भी वो लोग ने बोला फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांसेस है सेवन एंड ट्वेंटी फाइव ने कहा सेवन इंटू फिफ्टी परसेंट फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टी परसेंट ट्वेल्व पॉइंट फाइव ट्वेल्व पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव आता यहाँ पे यही

या तो बीटा को इंक्रीज करना होता है या तो बीटा को डिक्रीज करना होता है अगर बीटा को इंक्रीज करना हुआ या डिक्रीज करना हुआ आपको खाली एक ही फॉर्मूला है एंड दैट इज जो भी आपका डिजायर्ड बीटा है या इसको मैं बोलूंगा जो भी आपका टारगेट बीटा है वो टारगेट बीटा इधर लिख लो

एड रिस्क फ्री सिक्योरिटीज आई विल एड सो मेरे को अगर मेरा बीटा डिक्रीज करना हुआ तो मैं क्या करूंगा एड रिस्क फ्री सिक्योरिटी जैसे ही मैं रिस्क फ्री सिक्योरिटीज ऐड करूंगा मैं मेरे टारगेट बीटा पे आ जाऊंगा बट सर कितना रिस्क फ्री सिक्योरिटी ऐड करना है देखो क्वेश्चन मा कितना रिस्क फ्री सिक्योरिटी ऐड करना है सो so, ये जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी यहां पे आपको ऐड करना है ना दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेट ऑफ रिस्क फ्री कितना है मुझे नहीं पता मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ रिस्क फ्री प्लस अभी मेरा वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो जो है इनटू बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो सीपी मतलब करंट पोर्टफोलियो तो मेरा जो करंट पोर्टफोलियो है वो तो मेरे को पता ही है उसका बीटा कितना है ठीक है तो ये मेरा गिवन है ठीक है मेरे को बताओ बीटा ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी कितना होता है बीटा ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी बेटा जीरो होता है तो जीरो इनटू एनी नंबर विल बिकम तो बाय डिफॉल्ट आपका है ना फॉर्मूला में ये निकल जाएगा तो आपके पास बच जाएगा फॉर्मूला टारगेट बीटा इज इक्वल टू वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो आपको कितना टारगेट बीटा है वो आपको तो गिवन ही रहेगा क्योंकि इसको आप इधर आपको पहुंचना है आपका बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया होगा बिकॉज यू नो इट इससे आपको पता चल जाएगा कि वॉट शुड बी योर वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो से 75 अगर मेरा पे वेट आ गया तो मेरे को अभी रिस्क फ्री कितना लाना पड़ेगा ट्वेंटी रिस्क फ्री लाना पड़ेगा समझ में आया लोग को कैसे किया यहाँ पे मैंने तो फोकस पूरा क्या टारगेट बीटा आपको चाहिए से फॉर एग्जांपल अभी मेरे को टारगेट बीटा इंक्रीज करने का है तो भी मेरा सेम फॉर्मूला ही रहने वाला है तो अगर मेरे को टारगेट बीटा इंक्रीज करना है तो इधर लिख देने का टारगेट बीटा इज इक्वल टू वेट ऑफ रिस्क फ्री अभी मेरे को यहां पे रिस्क फ्री अभी बोरो करना पड़ेगा सो मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ रिस्क फ्री प्लस मैं यहां पे लिख दूंगा वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो इन टू बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो जैसे ही मैं ये लिख देता हूं मैं यहां पे मेरे को पता पे है कि ये तो जीरो ही होने वाला है है बिकॉज बीटा ऑफ रिस्क फ्री इज जीरो सो मेरा निकल जाएगा अगेन मेरे को गिवन मैं कैलकुलेट कर लूंगा मुझे मिल जाएगा वेट एंड फिर बाद में मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से रिस्क फ्री का भी वेट पता कर लूंगा एंड मेरा आंसर आ जाएगा एंड दैट इज वॉट आई हैव डन हैल्सो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है एग्जाम्पल में भी ऐसा ही कुछ दिया है तो देखो जब मेरे को बीटा को डिक्रीज करना ये केस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं जब मेरे को बीटा को डिक्रीज करना है तो मेरा फिलहाल मेरा करंट बीटा है से 1.108 मेरा करंट बीटा आता है 1.108 इस 1.108 बीटा को मेरे को रिड्यूस करना है टू तो 0.8 तो मैंने टारगेट बीटा लिख लिया इज इक्वल टू वेट ऑफ रिस्क फ्री प्लस वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो uh, अब रिस्क फ्री वाला तो जीरो हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो इनटू बीटा ऑफ करंट पोर्टफोलियो एंड दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड हियर एंड दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड हियर मेरा ये वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो आ जाएगा सेवेंटी टू पॉइंट टू टू परसेंट वेट ऑफ रिस्क फ्री जो बैलेंसिंग फिगर है ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट परसेंट आ जाएगा अब वेट ऑफ रिस्क फ्री वेट ऑफ करंट पोर्टफोलियो कितना है 72.2 रिप्रेजेंटेड बाय 12 लैक बराबर है तो 100 कितना रिप्रेजेंट करता है सिक्सटीन लैक सिक्सटी तो जो बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बिकम माय रिस्क फ्री रेट ये जब आप लोग वापस से गो थ्रू कर लो ये पीडीएफ को आपको प्रॉपरली एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप बोरो करेंगे दैट ऑल्सो विल बी कैल्क्युलेटेड इन द सेम मैनर एंड आपको आंसर आ जाएगा सो आई होप यह आपको क्लियर हो गया होगा एंड नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट विच इज पोर्टफोलियो रिविजन एंड रीबैलेंसिंग सो थ्री मेथर्ड आद है बाय एंड होल्ड पॉलिसी कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी एंड सीपीआईपी कांस्टेंट प्रोपोर्शन इंश्योरेंस पॉलिसी बाय एन होल पॉलिसी तो एकदम सिंपल है ले लो और फिर बाद में भूल जाओ और एंड में कुछ से दो साल के बाद चेक करो कि भाई कितना आपका इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है तो यहां पे देखो जो भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है सेट अ फ्लोर वैल्यू एंड जो भी आपका उसके ऊपर का है इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड्स सो सी बॉन्ड्स का जो भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दैट इज गोइंग टू बी ए सिक्योर इन्वेस्टमेंट ठीक है एंड जो इक्विटी में कर रहे हो हो दैट हैज सो आपको जितना भी भी आपका फ्लोर uh, वैल्यू मतलब कि भाई मेरा कुछ जाए पोर्टफोलियो पांच लाख के नीचे जाना ही नीचे, तो उतना बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दोगे बाकी का जो भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर दोगे बढ़ा तो वेल एंड गुड पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा नहीं बढ़ा तो ठीक है एटलीस्ट मेरा फ्लोर वैल्यू जितना विच इज माई बॉन्ड इन्वेस्टमेंट उतना तो रहेगा ही रहेगा सो अमाउंट द फ्लोर वैल्यू टू बी इन्वेस्टेड इन द इक्विटी सो यहां पर जो भी मेरा फ्लोर वैल्यू है उसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा डेट में टू द एक्सटेंट ऑफ डेट पोर्टफोलियो इज एंड विल चेंज बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ठीक है सो एज सिंपल एज दिस इज योर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी मिनिमम सेट कर लो बार फ्लोर वैल्यू उतना डेट में डालो बाकी सारा का सारा इक्विटी में डालो अब यहां से बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में तो इतना कोई पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग आया नहीं कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी से एक्चुअल में आपका पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग आता है यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग का तो मैंने अगर कोई पोर्टफोलियो बनाया तो ही बात है कि मेरे को एक सर्टेन रिटर्न चाहिए बट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कहीं ना कहीं मार्केट के मूवमेंट्स के हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा हो तो I can always rebalance it so that मेरे को जो desired return है वो मेरे को मिलता रहे right? so यहाँ पे constant mix policy में मैं एक ratio decide कर लूँगा that कुछ भी हो जाए हमेशा मेरा portfolio में से equity 50% and debt 50% फिफ्टी परसेंट होना ही चाहिए अब हो सकता है कि equity का बढ़ गया होगा आ,

अप एंड डाउन रिस्पेक्टिवलीफ एक्लो मैंने फिफ्टी फिफ्टी का रेशियो रखना है तो फिफ्टी थाउजेंड मैंने इन्वेस्ट किया, किया बॉन्ड में हो सकता है कि प्राइस अभी रिड्यूस हो जाएसली तो मेरा इसका वैल्यू फोर्टी हो जाएगा थाउजेंड एंड मेरा वैल्यू ऑफ बॉन्ड फिफ्टी को तो फिफ्टी फिफ्टी रखना है आप मेरे को बताओ फिफ्टी फिफ्टी नाइनटी थाउजेंड का फिफ्टी होता है फोर्टी फाइव तो मैं इक्विटी में और फाइव थाउजेंड डालूंग और मैं बॉन्ड्स को फाइव थाउजेंड अमाउंट जितना बेच दूंगा so, पे मेरे को जब एडजस्टमेंट करना है तो मैं क्या कर रहा हूं देखो स्विच बॉन्ड टू स्टॉक स्विचिंग मतलब बॉन्ड बेच के मैं स्टॉक खरीद लूंगा फाइव थाउजेंड का सपोज और गिर गया सिक्सटी पे आ गया तो अब मेरा ये थर्टी थ्री सेवन फिफ्टी हो गया एंड मेरा बॉन्ड का वैल्यू है फॉर्टी फाइव थाउजेंड सो टोटल सेवेंटी एट सेवन फिफ्टी हो गया इसका फिफ्टी

12,500 का मैं अप्रोक्सिमेली वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स खरीद लूंगा सो so दैट मेरा कांस्टेंट पोर्टफोलियो मिक्स आ जाए स्विच टू बॉन्ड स्टॉक टू बॉन्ड स्विचिंग इसको बोलते हैं तो अब मैं इक्विटी शेयर्स थोड़े बेच दूंगा और बॉन्ड खरीद लूंगा सो दैट अगेन मेरा 50 50 पे इधर मेरा दोनों टैली हो जाए वापस 150 का 200 हुआ मैं मेरा इक्विटी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड का कम वापस उसको लेवल पे लाने के लिए देखो अभी इधर है इक्विटी का वैल्यू ज्यादा बॉन्ड का कम मेरे को लेवल पे लाना है तो इसको गिराना पड़ेगा तो इक्विटी सेल एंड बॉन्ड को मैं बाय करूंगा आई होप समझ में आ गया होगा दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट मिक्स पॉलिसी एंड लास्ट है day, मेरा सीपीआईपी कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन इंश्योरेंस पॉलिसी इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एंड दैट इज कि भाई आपको शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है ना आपको शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है ना दैट इज गिवन बाई दिस फॉर्मूला मल्टीप्लायर इंटू पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू मल्टीप्लायर वैल्यू आपको गिवन होगा फ्लोर वैल्यू आपको गिवन होगा सो मल्टीप्लायर गिवन है वैल्यू गिवन है आपको पोर्टफोलियो आपका पता है इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है जो बैलेंस आ गया वो आपको डेट में इन्वेस्ट करना है For example, यहाँ पे मेरा जो total portfolio है 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 मेरा 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 जो 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 यहाँ पे मल्टीप्लायर है दैट इज टू तो अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना होगा इज गिवन बाय दिस फॉर्मुला क्या मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय द पोर्टफोलियो वैल्यू तो मेरा मल्टीप्लायर है टू but

इक्विटी सी सो अब मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू हो गया ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड यस अब मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू हो गया है ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड सो सेम फॉर्मुला मल्टीप्लायर टू मल्टीप्लाय बाय पोर्टफोलियो वैल्यू ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस फेस वैल्यू सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड

डिबेंचर्स है फाइव uh, लाख का मेरे को शेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है टू मोर बाय टू लाख फिफ्टी थाउजेंड तो ऑब्वियसली शेयर्स डिबेंचर्स बेचना पड़ेगा तो मैं क्या कर दूंगा थाउजेंड का डिबेंचर बेच दूंगा तो टू लाख फिफ्टी का मेरा डिबेंचर बच जाएगा साढ़े सात लाख पे से प्लस जो डिबेंचर टू लाखी थाउजेंड का बेचा उससे इक्विटी 2 का और खरीद के मेरा ये वैल्यू हो जाएगा टेन लाख से वर्षा भी पॉसिबल है सपोज लाख लाख से मेरा शेयर वैल्यू हो गया अगेन वही रहेगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू सो यहाँ पे मल्टीप्लाय मल्टीप्लाई बाय पोर्टफोलियो वैल्यू पोर्टफोलियो वैल्यू कितना है नाइन लाख माइनस फ्लोर वैल्यू कितना है सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड सो यहाँ पे थ्री लाख आ जाएगा तो अब मेरे को

आप लोग को कुछ क्वेश्चंस में मिलेंगे जैसे कोवेरियंस ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज़ बीटा ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट यूज इन क्वेश्चन ऑफ आईसीएआई मॉड्यूल कोवेरियंस ऑफ विद इटसेल्फ इज कॉल्ड एज़ वेरिएंस ऑफ दैट सिक्योरिटी एंड कोरिलेशन बिटवीन टू एसेट्स सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ ए बी इज रिलेशन बिटवीन ए एंड मार्केट मल्टीप्लाई बाय को बिटवीन बी एंड मार्केट सो दिस अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो एज आई प्रोमिस एक घंटे में कंप्लीट हो गया विद ऑल द फॉर्मुलाज अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कोई भी सम उठा लो यार यहां पे मैजिक बुक से सारे के सारे फॉर्मूला समझ लो आपके दिमाग में सेट है प्लस एक पेज में मैंने पूरा का पूरा आपका इस चैप्टर से जो एक्सपेक्टेड थियरी है वो डाल दिया है वो आप लोग गोथ्रू कर सकते हो या ये नहीं भी करना है तो मेरे वन वन मिनट के जो यूट्यूब के मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूं वो भी अगर आप लोग ने फॉलो कर लिया तो भी आप लोग का काम हो जाएगा सो गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा आपको ये सेशन क्या फॉर्मूला सब दिमाग में आ गए एंड अगर अच्छा then please देन प्लीज लेट मी नो इन because बिकॉज इस बेसिस पे मैं और भी सारे चैप्टर्स के आप लोगों को रिवीजन देने का प्लान कर रहा हूं एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू सो अपन लोगों ने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मुलाज लिख भी लिए हैं ठीक है अपने लैंग्वेज uh, में क्विक लेवल पे प्लस अपने पास ये पीडीएफ है ही आई होप टेलीग्राम से कर लिया होगा इनकेस नहीं है तो मैजिक बुक इफ यू वॉन्ट टू ऑर्डर यू कैन ऑर्डर ट्रस्ट मी वन पॉइंट फाइव डेज के लिए दैट विल बी द बेस्ट कंपेनियन दैट यू कैन हैव आफ्टर योर एफ आर एग्जामिनेशन चल टाइम फॉर मीडूसा वेडिंग टू यॉम यू इनकेस आपको ये वाले में कुछ भी डाउट आया है यू कैन ड्रॉप मी अतना सारा लिख लिया अपन लोग ने यू कैन ड्रॉप मी अट्सअप ऑन माई नंबर विद मोर कमेंट्स रिव्यूज एंड फीडबैक्स एंड बाकी चैप्टर्स के लिए की सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बजा लेना बिकॉज तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा इट स्माइलिंग अस्तालास्ता